या अली मदद. अलवाइज अबू अली, वाइज नंबर 214. Lectures on highlights of Imams and MPs history in Northwest Jamaatkhana, Toronto. Dear Imam, सबसे पहले तो मैं इस वाली एसोसिएशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आपके सामने इमाम की खिदमत करने के लिए कुछ मौका दिया. और नंदर मुसी साहब, कमरिया साहब और सारी जमात का मैं दिल से शुक्राना अदा करता हूँ. आप मेहरबानी करके यहाँ आए. फिल्म की कोई हद नहीं. और आज जो मैं आपके सामने रजू कर रहा हूँ, अगर से मैं बहुत अच्छी तरह से आज रेफरेंसेस पेश नहीं कर सकूंगा क्योंकि मेरी सारी किताबें वैंकूवर पहुंच गई हैं, मगर फिर भी जो कुछ भी मैं आपको कहूंगा वो गिनानों के अंदर है. बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो आप जानते भी हैं और बहुत सी चीजों का आपको शायद ख्याल नहीं होगा. और आज मैं आपको बहुत सी चीजें याद दिलाऊंगा. आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे पीरों और इमामों के लाइफ में से उनके जीवन में जो हाईलाइट्स हुई. हाईलाइट्स कहते हैं कि वो वाकया और इवेंट्स के जो बहुत इम्पोर्टेंट हुए और जिनका असर बहुत देर पास साबित होता है, उन चीजों को मैं आपके सामने आज रजू करूंगा. इंशाल्लाह मैं अभी बहुत दूर नहीं वैंकूवर रहूंगा. कभी फ्यूचर के अंदर अगर मौका मिला तो हर एक पीर हमारे 50 पीर आज तक हाजर इमाम के साथ हैं. 49 पीर मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के वफात तक रहे. कोशिश करूंगा कि हर एक पीर की लाइफ में से इस किस्म के वाकयात निकाल के जमात के सामने पेश किए जाएं. आज तक हमें अफसोस है इस बात का कि हमारे पीरों की लाइफ और हिस्ट्री कभी भी इकट्ठी नहीं की गई. 1936 में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के हुक्म से अली मोहम्मद जान मोहम्मद चुनारा ने नूर उद्दीन बाहर निकाली. उसके लिए बहुत सा मटीरियल इमाम ने अपनी खुद की पर्सनल लाइब्रेरी में से अली मोहम्मद जान मोहम्मद चुनारा को दिया. यह बुक नूर मुबीन के नाम से जाहिर हुई और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह हाथ में पकड़ के उसको जमातों के अंदर और मेहमानियों के अंदर फरमाया करते कि तुम नूर मुबीन पढ़ो. दूसरी दफा जब आए साल 1940 में तो साहब पूछ रहे थे तुमने नूर मुबीन पढ़ी और इमाम फरमाते थे कि नूर मुबीन पढ़ने से तुमको बहुत से वाकयात मिलेंगे. वो नूर मुबीन बाद में हमारे मरहूम मिशनरी जाफर अली सूफी ने उसको री एडिट किया, लेकिन असल वो बनी हुई लिखी हुई अली मोहम्मद जान मोहम्मद चुनारा की थी. उसके बाद आज तक इमामों की हिस्ट्री भी हमारे हाथ के अंदर इक्का दुक्का आती रही, टूटी फूटी आती रही, लेकिन पीरों की हिस्ट्री कभी नहीं लिखी गई. और हकीकत यह है कि पीरों की सारी हिस्ट्री हमको फारसी जबान की किताबों में मिलती है और हम फारसी जानते नहीं आमतौर पर. तो आज मैं आपके सामने पीरों का पहले जिक्र करूंगा और कल भी थोड़े से पीर जो बाकी रह जाएंगे उनका जिक्र करने के बाद फिर मैं इमामों की तवारीख आपके सामने पेश करूंगा. मैं इतना कह दूं कि हमारे इस मजहबी तरीके में हमारा तरीका इस्माइली है. हमारा मजहब निजारी इस्माइलिया है. हमारा जो तरीका है वो शरीयत पर नहीं आता. हमारा तरीका जो है वो मिस्टिसिज्म है. हमारा तरीका जो है वो सूफी तरीके की तरह है. हम सूफी नहीं है लेकिन हमारा तरीका जो है वो सूफियाना है. दुनिया भर के जितने भी सूफी हैं, शियों में भी है सुन्नियों में भी है, बात ऐसे सूफी भी हैं कि ना वो शियों में अपने आप को गिनते हैं ना वो अपने आप को सुन्नियों में गिनते हैं. ये तमाम के तमाम सूफी, चाहे वो सुन्नी तरीके के हों
या शिया अली को अपना राहबर मानते हैं, अली को अपना काबा मानते हैं, और सूफी मजहब को हजरत अली के जमाने से यानी इस्लाम की बात करता हूँ, हजरत अली के जमाने से शुरुआत हुई उसकी। इमाम जाफर सादिक जो तीन जोड़े के अंदर भी थे, और जब वो पीर थे तो उनका लकब था पीर अमीर अहमद। पीर की कुर्सियों में हमको जाफर सादिक का नाम नहीं मिलता, लेकिन पीर की कुर्सियों में जो पीर अमीर अहमद है वो इमाम जाफर सादिक है। तो पीर जो है वो हमारे मजहब के तारीखे के हिसाब से हमारे मुर्शिद हैं। सूफी मजहब के अंदर एक शेख होता है जो हमें मुर्शिद तक पहुंचाता है, और मुर्शिद हमको रसूल की शनाखत देता है, और रसूल की शनाखत ही अल्लाह की शनाखत है। सूफी लोग आमतौर से अपने इल्म को तीन दर्जों के अंदर तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं। फनाफी शेख यानी शेख के अंदर अपनी हस्ती को मिटा डालो, फनाफी रसूल उसके बाद जब एक सूफी मजहब से चलने वाला मुरीद जो है वो जब अपनी हस्ती को शेख की हस्ती में मिटा देता है तो फिर वो रसूल की हस्ती में फना हो जाता है, और जब वो रसूल की हस्ती में फना होता है तो यही चीज मेराज है यानी खुदा की हस्ती के अंदर वो फना हो जाता है। तो इनके दर्जे हैं फना पे शेख, फना पे रसूल, फना पे अल्लाह। शेख जो है ये वो आदमी होता है कि जो सूफियों के अंदर एक मॉनिटर की तरह हो, आप उसको यूं लकब दे सकते हैं कि वो भाई उस्ताद है, वो मुर्शिद की शनाखत कराता है। यहां मेरा मतलब शेख से हमारे वो दाई के जिन्होंने मजहब को दुनिया में फैलाया, मुर्शिद हमारे पीर के जो रसूल का नूर है और अल्लाह का नूर लाजमी हमारा इमाम है। हम इस बात को जानते हैं और कभी नहीं जानते तो हम अपने मजहब को नहीं जानते कि हमारे मजहब इस्माइली तारीख में इमाम जो है वो हमारे लिए सब कुछ है। मेरे इस लफ्ज सब कुछ को आप समझ सको तो समझो सब कुछ, इसके सिवा और कोई है ही नहीं। क्योंकि इमाम जो है वो अल्लाह का नूर है, और अल्लाह खुद नूर ही नूर है। अल्लाह कोई जाहिरी शक्ल शबाहत और हस्ती नहीं, कोई शय अल्लाह के बराबर नहीं, कोई चीज भी अल्लाह जैसी नहीं, अल्लाह की कोई तमसील मिसाल एग्जाम्पल सैंपल कुछ नहीं। वो तो महज नूर को नूर ही शनाख्त कर सके, इसलिए हमें जाहिर तौर पे एक कैरिज के तौर पे हमें जाहिरी चीजें दी गई ताकि हम अपने अंदर छुपे हुए उस नूर को कि जो नूर का एक अक्ष है जिसको हम रूह कहते हैं, हम उसको इतना ऊंचा डेवलप करें कि खुद हमारी रूह नूर का एक जर्रा बन के उस नूर को शनाख्त करे कि जिस नूर में से ये जर्रा निकला है। नूर की शनाख्त के लिए हमें नूर ही चाहिए। जब तक ये नूर हमारे अंदर पैदा नहीं होता हम अल्लाह की शनाखत नहीं कर सकते, और अल्लाह की जो शनाखत है वही इमाम की शनाखत है, क्योंकि जो इमाम का जो नूर है वही अल्लाह है।
दुनिया भर की जितने की सूफिया हराम है, वो इस बात को जो आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ बड़ी जल्दी से समझ सकते हैं, क्योंकि वो इस रस्ते पे हैं। अगर से वो उस मंजिल से नहीं पहुंचे होंगे, मगर वो समझ सकते हैं कि किस मंजिल से जा रहे हैं। अगर यही बात हम उन लोगों से के जो सूफी मजहब को नहीं समझते उनके सामने हम जिक्र करेंगे तो क्या होगा? अंधों के सामने रोना, अपनी आंखें खोना, ये एक सुल्तान की कहावत के बराबर है। लिहाजा हम इस्माइलियों को अपना मजहब समझना चाहिए और समझ के अपना मुंह बंद रखना चाहिए। इसलिए कि अगर आप अपने मजहब को उन लोगों के सामने के जो सूफी तरीके को नहीं समझते कभी पेश करेंगे, तो या तो वो आपको पागल समझेंगे, या आपको बेईमान समझेंगे, या आपको मूर्ख समझेंगे। और इस किस्म के वाकयात हमारे यहाँ हो चुके हैं। बोला हमें बहुत दफा इमाम के फरमानों और तारीखों में से अनल हक के नारे मिलते हैं। मंसूर अल हल्लाज जब उसने अनल हक का नारा मारा, वो आपे से बाहर हो गया, उसका कंट्रोल छटक गया, वो बेखबर हो गया। उसने अपनी हस्ती को मिटा डाला और महबूब की हस्ती ही हस्ती रह गया, वो खुद को भी महबूब समझने लग गया। और उसका जो ये नारा था अनल हक, उसके बहुत से मतलब है। मैं सच्चा हूं, मैं खुदा हूं, मैं हक पर हूं, ये सब उसके मतलब हो सकते हैं। काजी ने उसको पत्थर मारने की सजा दी, लोग रस्ते में खड़े हो गए पत्थर लेके। मंसूर को समझने वाला एक शख्स था, हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह। शिबली मंसूर को जानते थे, उनके दोस्त थे, उनके साथ बैठ के इबादत करते थे। काजी का हुक्म ये था कि अगर मंसूर को जो पत्थर नहीं मारेगा उसको भी यही सजा दी जाएगी, यानी उसको भी पत्थर मारे जाएंगे। एक फूल लेके आए, कागज के अंदर फूल को लपेटा, कागज बड़ा दिखता था, लोगों को दूर से नजर आ रहे कि उसने पत्थर मारा होगा, लेकिन उस कागज के अंदर फूल था। शिवली उन लोगों के अंदर खड़े होके इंतजार करते रहे। जब हजरत मंसूर इधर से निकले तो दोनों तरफ से लोग पत्थर मारते थे, इधर लगे लहू की एक धार निकले, इधर लगे लहू का फुवारा निकले, और हंसते चले जाते थे। दर्द का कोई एहसास ही न था, क्योंकि महबूब की जिंदगी में जो हबीब था वो फना हो चुका था। पत्थर खाते 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 शिवली के नजदीक पहुंचे तो शिवली ने भी लोगों की तकलीफ में वो कागज में छुपा हुआ फूल जो मारा तो कलेजे पे हाथ मार के एक लंबी हाय की, जैसे कि इंसान को सख्त दर्द होता हो। शिवली की आंखों में आंसू आ गए। कहा, मंसूर लोगों ने तुझे पत्थर मारे और हंसता रहा, मैं तो तुझे जानता था और तुझे मैंने फूल मारा कि तुझे ईजा ना हो। कितना दोस्त, वो पत्थर फूल जैसे लगे क्योंकि वो लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन तू मुझे जानता है, तेरा फूल भी मुझे पत्थर लगा। मौला अली के कलाम में इसका एक जिक्र है, मंसूर मौला अली के बाद हुआ। लेकिन मौला अली के कलाम में से हमें ऐसी बहुत सी अजम की बातें भी मिलती हैं। हमारे जो कलाम जो हम जमा खाने में पढ़ते हैं, मौला अली फरमाते हैं, दोस्त की मार से बड़ा दुख लागे, दोस्त की मार से बड़ा दुख लागे, जिसको दोस्त देवे मार, गैर के हाथ का पत्थर भी हल्का लागे, गैर के हाथ का पत्थर भी हल्का लागे, दोस्त के हाथ का फूल भी लागे मार। तो मैंने आपको ये वाक्य इसलिए सुनाया समझने के लिए कि जो नहीं समझते
साथ हमें अपने मजहब के तरीके की डिस्कशन नहीं करनी चाहिए। आज अगर बाहर बहुत सी जगहों के ऊपर इस्माइलियों के ऊपर अटैक होते हैं तो उसका कसूर हम इस्माइली भाई बहनों का है कि जो हम तुम्हारे रेस्टोरेंट में और सब जगह जिधर भी उनकी मुलाकातें ऑफिस वगैरह में होती हैं, तो जब गैर आदमी हमको पूछते हैं कि तुम्हारा मजहब क्या है, तो हम अपने मजहब की उस हकीकत को कि जो ठोस जामिद सॉलिड हकीकत है कि अल्लाह का नूर क्या है, वो हम जब गैरों के सामने पेश करते हैं तो ये ऐसा है कि 8 दिन के बच्चे के मुंह में गोश्त की बोटी डाल दी, वो बच्चा मर जाएगा। वो लोग कि जो इस्माइली मजहब तो क्या सूफी मजहब की जरा सी बात को भी नहीं समझते, उनके सामने हम अपने इस्माइली मजहब की तरीके की बातें पेश करते हैं तो उनके दिल हिल जाते हैं। यही हमारी भूल और गलती है। तो मैं आपसे अर्ज करता था, हमारा जो तरीका है वो ये है कि हम अपने आलिमों से, हमारे कौम के अंदर भी उलेमा हैं, इनसे हम अपना मजहब सीखते हैं। जब हमें मजहब की हकीकतों का पता लगता है और अमल करते हैं, और खासतौर से जब हम मुराकबा और रियाजत करते हैं जिसको हम बैतुल ख्याल कहते हैं, और हम अपने नूर को जो हमारे अंदर रूह के नाम से छुपा हुआ है जब हम इसको उजागर करते हैं, डेवलप करते हैं, और खुद हमारे अंदर वो नूर पैदा हो जाता है कि हम नूर को पहचान सकें, तो फिर हम हजर इमाम के बदन को डिजोल्व कर लेते हैं अपने माइंड में। इमाम का बदन हमारे सामने नहीं रहता, सिर्फ नूर ही नूर रहता है, इसी को हम अल्लाह कहते हैं। ये हमारे मजहब का एक ऊंचे में ऊंचा दर्जा है, मगर इस दर्जे पे पहुंचने से पहले हमें पीर की शराखत चाहिए जिसको हम रसूल कहते हैं। अल्लाह का नूर तो इमामत में छुपा हुआ है। अब जब अल्लाह ने इरादा किया कि मैं खलकत पैदा करूं, तो खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है कि खुदा ने सबसे पहले मेरे नूर को अपने नूर से जुदा किया और मेरे नूर से हर शय खल्क हुई, हर शय। तो इसका मतलब ये हुआ कि खालिक मोहम्मद है, खालिक मोहम्मद है, मोहम्मद माँ की तरह है कि जिसने पैदा किया, पेट में उसको बढ़ाया, उसको खिलाया पिलाया। जिस तरह माँ छोटा रब है, मोहम्मद रब है। रब कहते हैं पालने वाले को, और मोहम्मद जो है उसने हमें इल्मी तरीके से पाला, इल्म दिया, शनाखत। मोहम्मद का जो नूर है, इसी नूर को हम पीर कहते हैं अपनी तरीके के अंदर। अल्लाह का नूर इमाम है, नबुवत का नूर पीर है, और जो शेख है वो दाई है, आलिम है, उलमा है हमारे कौम के जो हमको मजहब सिखाते हैं और पीर की शनाखत तक पहुंचाते हैं। यही वो तीन तरीके हैं, यही वो तीन दरजे हैं सूफियाओं के अंदर, जिसको हम फना के शेख, फना के रसूल और फना के अल्लाह कहते हैं। ये समझ लेने के बाद कि हमारा तरीका ये है, मैं आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके सामने सबसे पहला मुर्शिद के तौर पे पेश करता हूँ। हमको हमारे पीरों ने कहा कि अव्वल पीर नबी मोहम्मद मुस्तफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सबसे पहला मुर्शिद है और वो सबसे आखिरी मुर्शिद है। नबी का एक और हदीस है कि तमाम नबियों में मेरा ही नूर था, यानी हकीकत में मोहम्मद ही मोहम्मद है, खालिक भी मोहम्मद है और रब भी मोहम्मद है। तो पीर की शनाखत हमारे लिए बहुत जरूरी है। पीर जरिया है, लिंक है इमाम तक पहुंचने के लिए। हाँ, अगर हम इस लिंक का जिक्र करते हैं तो भिन्न
भाइयों मोमिनों, हज़रत ईमान का जो बदन है ना, उसका दर्जा पीर जितना है, क्योंकि नूर तक पहुंचनी हमारी ताकत नहीं जब तक कि हम अपने अंदर रूह को डेवलप न कर ले। तो जाहरन तौर पे हज़रत ईमान का जो बदन है वो हमारे लिए पीर का दर्जा है। क्यों भला? क्योंकि इस बदन से हमें फरमान मिलते हैं, दुआ आशीष मिलती है, हमारे सिर पे हाथ रख के हमें अपनी नूरानी इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करता है, हमें छांटा दे के हमारे मुंह पे इमाम पानी डाल के हमें इस बात के लिए तैयार करता है कि जाहिर और बातिन तौर पे हम पाक बने, अच्छे बने। इमाम का बदन जमात और नूर के दरमियान एक लिंक है, इसलिए हमको बहुत दफा हिस्ट्री में ये मिलता है कि हमारे बहुत से इमाम अपने बाप के जमाने में पीर थे, बाद में इमाम बने। लेकिन आज हमारे सामने इमाम और पीर दोनों का नूर एक ही जामे में मिलता है। इसका भी इंशाल्लाह कल या परसों मैं आपको खुलासा करूंगा कि क्यों ऐसा हुआ, उसकी वजह क्या कि शातिर का जमा एक ही हो गया। तो देखिए जिंदारो, पीरों के अंदर से हमारे जो आज तक हाजर इमाम के साथ जो 50 पीर हैं, उनमें सबसे पहले हमारे मुर्शिद अव्वल, सबसे बड़ा पहला मुर्शिद रसूलुल्लाह जो है, उनकी जिंदगी से हमें एक ऐसी हाईलाइट मिलती है, ऐसी एक इम्पोर्टेंट इवेंट मिलती है कि जो हमारे तरीके के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये है कि जब रसूलुल्लाह ने अपनी नबूवत को जाहिर किया, मैं एक बात आपके सामने और यहाँ खुलासा कर दूं, हम इस मायने इस बात के ऊपर ईमान रखते हैं कि जितने भी नबी और इमाम हुए वो सब के सब मासूम हैं। मासूम उसको कहते हैं कि जिसके ऊपर हम कोई जात का कोई भी किस्म का इल्जाम नहीं रख सकते, हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते, जो तमाम किस्म की बदियों गुनाहों से पाक हो उसको अरबी जबान में मासूम कहते हैं। तमाम इमाम और तमाम नबी पैदाइश से ही, जन्म से ही मासूम होते हैं। उनको खबर होती है कि हम कौन हैं, और जो वक्त का इमाम होता है कि वो आने वाले इमाम को या आने वाले पीर को अपॉइंट करने वाला है, भले वो 100 बरस के बाद अपॉइंट करे, मगर इमाम को ये पता है। और वो तमाम हस्तियां जिनको इमाम बनना है फ्यूचर में, या जिनको फ्यूचर में पीरी जामा मिलने वाला है, वो जन्म से ही पाक होते हैं, वो जन्म से ही मासूम होते हैं। हजरत ईसा जिसको तो हम कहते हैं, ईसा नबी माँ की गोद में चंद हफ्तों की उम्र के थे। कुरान शरीफ इस बात के लिए हमारे सामने एविडेंस के तौर पे मौजूद है कि ईसा नबी चंद हफ्तों की उम्र, थोड़े दिन ही थे, अपनी माँ की गोद में बोलने लगे कि मैं खुदा का नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब बख्शी है और मुझको ज़कात देने और नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। तो लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, हैरान होने लगे, इतना छोटा बच्चा बोल रहा है। ये चीज जाहिर करती है कि हजरत ईसा जन्म से ही नबी थे। अगर से उन्होंने अपनी नबूवत 30 बरस की उम्र में जाहिर की और जॉन दी बैप्टिस्ट ने उनको लोगों के सामने बैप्टाइज करके डिक्लेयर किया, ये लोगों की बातें थी। लेकिन इस्माइली मजहब की जो हकीकत और हमारा जो सूफी तरीका है, उसके अंदर ये चीज है कि हम हर नबी को, हर इमाम को, हर पीर को जन्म से पीर समझते हैं, अगर के पीरी जमा बाद में डिक्लेयर हो। ये पाक हस्तियां हैं, मासूम है, बेगुनाह है, इनमें कोई भी खराबी नहीं। तो रसूल अकरम ने अपनी नबूवत को 40 बरस की उम्र में जाहिर किया, लेकिन रसूल अकरम जन्म से ही, पैदाइश से ही नबी थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी नबूवत को जाहिर किया, जमाने की देख के, जमाने की जरूरत को देख के, तो उन्होंने
अल्लाह के हुक्म से अपने सगे कुटुंबियों को रिश्तेदारों को बुलाया और उनको दावत अशीर दी। तीन दफा ये दावत दी गई। अल्लाह इस दावत की जो हाईलाइट मैंने जिक्र किया है वो इसलिए जिक्र किया है कि इसमें हमारे मजहब के तरीके की एक बड़ी जरूरी चीज है, और वो जरूरी चीज ये है कि जब भी इन्होंने 40 अपने रिश्तेदारों को, बुजुर्गों को, मामे थे, चाचे थे, ताओ थे, इन सबको जब बुलाया और दावत खिलाने के बाद खड़े होकर कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरे इस काम के अंदर कि मैं दीन खुदा को फैला दूं, कौन मेरी मदद करेगा, तो 10 बरस का लड़का हजरत अली के रूप में खड़ा होकर कहता है मैं आपकी मदद करूंगा, अगर से मेरी टांगे पतली हैं, अगर से मेरी कलाइयां पतली हैं, अगर से मैं छोटा हूँ, लेकिन या नबी मैं आपकी मदद करूंगा, और जो भी आपका सामना करेगा, आपसे दुश्मनी करेगा, मैं उसके साथ लड़ूंगा और मैं उसका पेट फाड़ डालूंगा। तो सब लोग हंसने लगे। जब सब लोग हंस के चले जाते थे तो हजरत अली का हाथ पकड़ के सबको कहते थे देखो ये मेरा मददगार है, ये मेरा वजीर है। वजीर कहते हैं सलाह देने वाले को, मशवरा देने वाले को, एडवाइस करने वाले को, ये मेरा वजीर है, ये मेरा भाई है, ये मेरा प्रोटेक्टर है। दावत अशीर की ये सबसे बड़ी हाईलाइट है कि रसूलुल्लाह ने अपनी नबूवत के शुरू करने, लोगों के सामने पेश करने से पहले ही अपने रिश्तेदारों के अंदर अली को डिक्लेयर कर दिया कि मेरा मददगार, मेरा प्रोटेक्टर, मेरा मशवरा देने वाला ये है। ये सिलसिला 3 दफा हुआ, और इस तीनों दफा हैरत की बात यह है, हालांकि मौजजा भी हुआ, मगर रसूलुल्लाह के ये जो चाचे और बड़े लोग थे जो मुशरिक थे, उनमें से बहुत से काफिर थे। मुशरिक और काफिर में फर्क है। मुशरिक उसको कहते हैं कि जो मूर्ति पूजा करते थे, और काफिर उसको कहते हैं कि जो ना खुदा को माने ना मोहम्मद को माने। हजरत अली 40 आदमियों की दावत करने के लिए बकरे की एक टांग और 5 रोटियां और 1 प्याला दूध, कि जो सिर्फ एक आदमी को भी शायद काफी ना होवे, वो जमाने के आदमी उसमें बड़े बड़े पहलवान थे ये चाचाओं के अंदर। अबू लहब अकेला जो रसूलुल्लाह का सगा चाचा नहीं था लेकिन दूध का चाचा था, अबू लहब बैठ के एक सारा बकरा खा जाता था। अब जो एक प्याला दूध का, एक टांग बकरे की भुनी हुई और 5 रोटियां रखी गई, तो ठट्ठा करने लगे, मखौल करने लगे कि क्या हमारा इससे पेट भरेगा। हुजूर ने फरमाया बिस्मिल्लाह करो, शुरू करो। और हैरत की बात यह थी कि सब रोटियां नोच नोच के खाते रहे मगर एक टांग पूरी न कर सके। सब ने घूंट घूंट पेट भर के दूध भी पिया लेकिन दूध का प्याला ऐसा का ऐसा रहा, 5 रोटियां भी खत्म न कर सके। तो कहते थे अबू तालिब को, ऐ अबू तालिब, तेरे भतीजे ने खूब जादू किया हमारे ऊपर, रूहानी हालत को छोड़ के जादू में पड़ गए, क्योंकि उनको रूहानी हालत का पता ही ना था। यही बात मैं फिर दोबारा कहूंगा कि जिनके पास रूहानी हालत की कोई इल्म की बात है ही नहीं, समझ ही नहीं, उसके सामने आप कुछ मौजजा भी करोगे तो उसको जादू बना लेता है। बिल्कुल इसी तरह से जो इस मालूम मजहब के शनाखत वाले, हकीकत वाले लोग अल्लाह या ईमान के नूर को समझते और जानने वाले हैं, जब वो गैरों शरीयतियों के सामने के, जिनको सूफी तरीके का कुछ पता नहीं, जब वो अपना ये बात का कोई तरीका उनके सामने रख देते हैं या तरीके की कोई बात कर देते हैं, तो गैर इस चीज को हजम नहीं कर सकते। तो दावतुल अशीर जो थी हकीकत में वो अली अलैहिस्सलाम की इंट्रोडक्शन थी अपने रिश्तेदारों के अंदर। यही वो चीज बाद में 1,25,000 मुसलमानों के सामने की गई, लेकिन सबसे पहले घर वालों को ये बताया गया कि ये मेरा मददगार और ये मेरा वजीर हिम्मत वाला, और ये मेरी मदद करने वाला, मुझे बचाने वाला, और ये वो है कि जो मुझे एडवाइस करे, मेरा वजीर है। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट हाईलाइट का इवेंट था रसूल की जिंदगी में। इस चीज को छोटा मत समझना।
इस चीज को छोटा मत समझना। बाद में एक और इवेंट बना जिसको हम हिजरत कहते हैं। मक्का छोड़ के रसूल अकरम मदीना चले गए। मैंने हिजरत को हाईलाइट में इसलिए लिया है कि हिजरत का ही वो साल था कि रसूल अकरम ने दोबारा हजरत अली की अजमत को ऊंचा करवा के लोगों के सामने पेश किया कि हजरत अली मेरा प्रोटेक्टर है। जो पहले ही दावत के अंदर कहा था 13 बरस पहले, वो 13 बरस के बाद नबी ने फिर इस बात को साबित करवा दिया इवेंट बना के। हिजरत की रात को अली को अपने बिछौने पे, अपने बिस्तर पे सुलाया। बाल किताबों में लिखा है 10 जने थे, बाद रिवायत के हिसाब से 40 आदमी थे, कुछ अंदर गए कुछ बाहर खड़े रहे। ये मुशरिक तलवारें लेके मोहम्मद को मारने के लिए, कत्ल करने के लिए आए थे। इन्होंने 24 घंटे पहले फैसला किया था कि ये मोहम्मद का जो कांटा है हमेशा के लिए निकाल डालो, इसको आज रात को सोते में नींद में मार डालो। रसूल अकरम ने अली को कहा कि मैं जाता हूं मदीने। ये तो दोनों एक ही थे। रसूल अकरम तो मदीने की तरफ शाम का अंधेरा होने के बाद ही निकल गए और हजरत अली जाके नबी के बिस्तर पे कंबल ओढ़ के सो गए। आधी रात के बाद 10 आदमी दरवाजा तोड़ के जब अंदर घुस के आए तो हजरत अली इस शोर बकोर से जाग उठे। जब कंबल उठाया तो इन्होंने तो हजरत अली को देखा, हैरान हो गए। और ये बात इतनी सीक्रेट थी कि किसी को मालूम भी नहीं थी। अब जो अली को देखा तो 10 आदमियों की तलवारें रुक गई। क्यों रुक गई? इसके सामने लड़ नहीं सकते थे। वो जानते थे कि अली की ताकत और कुव्वत क्या है, हालांकि अली के पास कोई तलवार भी नहीं थी। एक तो ये बात बनी कि वो हक्के बक्के हो गए, जो उन्होंने एक्सपेक्ट न किया था वो हुआ, इसलिए उनकी अकलें गुम हो गई। दूसरा, अपनी रूहानी ताकत से उनकी अकलें गुम कर दी। अली को कहते हैं मोहम्मद की तरह, तो हजरत अली फरमाए क्या तुम मुझे सौंप गए थे कि मुझे पूछते हो? चुप हो गए, गुपचुप चले गए। हजरत अली की इस, मैं अगर जाहिर लफ्जों में कहूं तो कुर्बानी, लेकिन ये अली और नबी एक ही थे। इन दोनों का ये एक ही काम था कि इस्लाम को फैलाया जाए। ये दूसरी दफा बहुत बड़ा इवेंट था कि हजरत रसूल अकरम के बिस्तर पे सो के बिल्कुल नडर हालत में, उस वक्त हजरत अली की उम्र तकरीबन 22 बरस की थी, 23 बरस की, 10 आदमी नंगी तलवारें लेके खड़े हैं। इसी तरह से लेते लेते कहते हैं क्या तुम मोहम्मद को मुझे सौंप गए थे? और वो जो चाप चले गए। ये मामूली चीज नहीं, हजरत अली की यहाँ जिस्मानी ताकत नहीं, रूहानी ताकत का इजहार हो रहा है। तीसरी चीज से एक और बड़ी चीज थी और वो थी उख़वत। मदीने पहुंचे, मुहाजिरीन इधर आए और उधर के जो लोग थे जिन्होंने मदद की थी, इसको इंग्लिश में हेल्पर्स कहते हैं और अरबी में अंसार कहते हैं। अंसार और मुहाजिरीन दोनों मुसलमान थे। मुहाजिरीन मदीने के अंदर आए तो मक्का में अपनी माल मिलकर सब कुछ छोड़ के आए, जैसे युगांडा वाले ईदी अमीन को सौंप के आए। यहाँ आए तो किसी की बीवी भी ना थी, तन के कपड़े के सिवा कुछ ना था। रसूल अकरम ने इन अनुसार लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर इन्होंने कहा कि या नबी, हमारे ये मुहाजिर भाई लुट फुट के आए हैं, तो आप इनके दरमियान हमारी उख़वत बना दो, यानी ब्रदरहुड, भाईचारा कर दो, ताकि हम अपनी मिलकत में इनको हिस्सादार भागीदार बना दे। तो रसूल अकरम ने एक मुहाजिर और एक अंसार, एक मुहाजिर और एक अंसार इनको भाई बना दिया। हजरत अली अकेले खड़े थे।
तो हजरत उमर कहते हैं या नबी, अली को किस अनुसार का भाई बनाते हो? फरमाया वो मेरा भाई है। दोनों मुहाजिर थे, अली भी मुहाजिर थे, रसूल भी मुहाजिर थे, लेकिन फरमाया कि अली मेरा भाई है। ये एक और डिक्लेरेशन थी अली के साथ लोगों को जाहिर करने के लिए। अब नबी की हिस्ट्री पढ़ो उनकी लाइफ, तो दिनदारों उसके अंदर आपको अली के सिवा और कुछ नजर ही नहीं आता। रसूल की सारी जिंदगी के अंदर अल्लाह की इबादत करो, अली से मोहब्बत करो, यही नजर आता है। ये सबसे बड़ी हाईलाइट है, अल्लाह की इबादत करो, अली से प्रेम करो। और हुजूर ने यहाँ तक एक लॉ बना दिया कि मोमन की शनाख्त यह है कि वो अली से मोहब्बत करता है। ये वो हदीस है कि सुन्नी भी इससे इनकार नहीं कर सकते। तमाम हमारे पुराने जो सीरत के लिखने वाले थे, जितने भी उलमा आज तक हो चुके हैं, शायद ही ऐसा कोई आलिम बाकी रहा हो कि जिसने इस हकीकत का बयान नहीं किया कि मोमन की शनाख्त यह है। बुखारी और मुस्लिम जैसी हदीस के कलेक्शन के अंदर से भी आपको ये हदीस मिलेगी कि मोमन की शनाख्त यह है कि वो अली से मोहब्बत करता है। और फिर फरमाया मुनाफिक यानी हिपोक्रेट, उसकी शनाख्त यह है कि वो अली से हेट करता है, बोझ रखता है, कीना रखता है। और रसूलुल्लाह की हदीस में से, रसूलुल्लाह की लाइफ में से, रसूलुल्लाह की सीरत में से हमको ये चीज जगह जगह मिलती है। ये एक दूसरी बल्कि तीसरी चीज थी कि जो लोगों के सामने जाहिर की कि अली मेरा भाई है। और हुजूर की ये हदीसें तो बहुत आम है कि खास रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं कि मैं इल्म का शहर हूं, अली दरवाजा है, दरवाजा शहर को प्रोटेक्ट करता है, यानी इल्म का प्रोटेक्टर अली है। ये बड़ी मशहूर हदीस है, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, अली उसका दरवाजा है, शहर को बचाने वाला दरवाजा होता है। एक और हदीस है और वो भी इतनी ही बड़ी यानी पॉपुलर है कि सुन्नी भी उस चीज को कबूल करते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि मैं और अली एक ही नूर में से हैं, अना व अलीउन मिन नूर वाहिद, मेरा नूर और अली का नूर एक ही नूर है। यही वो चीज है जो हम अपने इस्माइली तरीके में मानते हैं। शाह पीर ने अलग करी मत मान जो, अलगा करी नहीं मान जो। शाह पीर जो है, इमाम और नबी जो है, वो एक ही है। इसी चीज को लेके हमारी पुरानी दुआ में भी सदर दिन ने ये हदीस को कोट किया कि अली मोहम्मद यक खुदा हक शनासी दफे बला, अली और मोहम्मद एक ही अल्लाह का नूर है, इन दोनों में कोई तफावत नहीं। और अगर तुम हक की शनाख्त कर लो तो तुम्हारी सब बलाएं, इस यहाँ बला से मतलब क्या है, डाउट शंका दूर हो जाएगी। तो ये जो दावत अशीर के बाद एक सबसे बड़ी हाईलाइट थी तो वो उख़वत की थी। मैंने हिजरत का जिक्र किया है, लेकिन यहाँ ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि तमाम लोगों के सामने हर मुहाजिर को एक अंसार का भाई बना दिया, लेकिन खुद को अली का भाई बनाया। अब रसूल अकरम की मैं और छोटी छोटी बहुत सी चीजों का जिक्र यहाँ नहीं करता क्योंकि मेरा टॉपिक बहुत ही लंबा है। एक आखिरी और वो नेल मार के, बिल्कुल आखिरी नेल लगा के जो कॉफिन को बंद कर देते हैं कि अंदर से मुर्दा निकल ही ना सके। यहाँ मुर्दे से मुराद जो है, हक मुर्दा नहीं, लेकिन हक को छुपाने का और हक को अरेस्ट करने का ये एक तरीका है, और वो है गदीर। गदीर का मैदान अपने रिश्तेदारों के अंदर 10 बरस की उम्र के अंदर हजरत अली को डिक्लेयर करवाया कि ये मेरा वजीर है, ये मेरा भाई है, ये मेरा मददगार है। 23 बरस के बाद, 23 इयर्स के बाद गदीर के अंदर 1,25,000 मुसलमानों के अंदर रसूल अकरम ने हजरत अली का, अपने भाई का हाथ पकड़ के लोगों के सामने कहा कि ये तुम्हारा मौला है। नबी की ये हदीस नहीं है कि मेरे बाद तुम्हारा मौला है,
पानी कहाँ रखा है? थैंक यू। नबी की हदीस में यह नहीं है कि मेरे बाद तुम्हारा मौला है, ऐसा नहीं कहा। ये कहा कि मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसका मौला है। वहां भी प्रेजेंट टेंस है कि मैं हूँ और यहाँ भी प्रेजेंट टेंस है कि ये है। हमारे बहुत से भाई, हमारे बहुत से स्टूडेंट बच्चे, मैं उनका कसूर नहीं समझता क्योंकि उनके पास अभी तक इतना इल्म नहीं आया ये छानबीन कर सके। हम बहुत दफा ऐसा कहते हैं कि हजरत अली नबी के सक्सेसर थे। बाहर नॉन इस्माइली पब्लिक के सामने कभी हम ऐसा कहें तो गलत नहीं, क्योंकि वो हमारी इस्माइली मजहब की जो अंदर की मर्ज और कर्नल की जो चीज है वो नहीं समझ सकेंगे। लेकिन हम आपस आपस के अंदर, अंदर अंदर जमातों के अंदर जब हम बात करें तो हजरत अली नबी के सक्सेसर नहीं थे। सक्सेसर मत कहो, वो तो हमेशा हाजिर ही है। नबी जाहिर में भले गुजर गए, उसका नूर मौजूद रहा। बदन के तौर पे हजरत अली भी गुजर गए, उसका नूर मौजूद रहा। भला हम दूसरे शियों की तरह अपने इमामों की जो डेथ की डेट होती है हम कभी नहीं मनाते। सुनी तमाम शिया, इसनाशरी भी, बोहरे भी, दूसरे भी हैं ऐसे बहुत से, वो अपने इमामों की मौत का दिन मनाते हैं। और इसनाशरी तो खास तौर पे इमाम हुसैन के दिन में तो बहुत पीटते हैं, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हुसैन मर गया, हुसैन मर गया। हम इस्माइलियों ने कभी भी अपने किसी भी इमाम की मौत का दिन नहीं मनाया। बहुत बरस पहले जब इसनाशरी लोग हमारे साथ मिक्स हो चुके हुए थे मौलाना हसन अली शाह के जमाने से इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के जमाने तक, हमारी जमात के अंदर जंजीबार में और हिंदुस्तान के अंदर इसनाशरी खलत मलत इस तरह मिक्स हो गए थे कि जिस तरह से खंड पानी में मिक्स हो जाती है। इमाम ने खंड को पानी से जुदा करने के लिए क्या किया? पानी को बॉइल किया, इतना बॉइल किया, इतना बॉइल किया कि पानी उड़ गया, खंड रह गई। इमाम ने ये बॉइल इस तरह से किया 1900 के अंदर हिंदुस्तान में और 1901 में जंजीबार अफ्रीका के अंदर इमाम ने फरमान भेजे कि तमाम मुखी का मरिया जमात के हर आदमी की साइन ले लें। ये बॉइलिंग पॉइंट था कि अगर इमाम मौलाना सुल्तान मोहम्मद धनी सलामत दातार को हम अपना बिल्कुल सच्चा और नूरानी, वो हमारे मजहब से निकल गए, इसनाशरी हो गए। उस वक्त तक और कुछ वर्षों के बाद भी, क्योंकि ऐसे भी लोग थे कि जो अंदर इसनाशरी थे बाहर इन्होंने साइन कर दिए, इनको हम मुनाफिक कहते हैं, साइन कर दिए। ऐसे बहुत से लोग अपने मस्जिद जमात में रह गए, कोई बीवी की खातिर रह गया, कोई बाप की खातिर रह गया, कोई औलाद की खातिर रह गया, कोई कुटुंब की खातिर रह गया। तो हमारी जमात के अंदर बहुत से इसनाशरी जो मजहब अंदर से पालते थे उन्होंने साइन कर दिए। अब इनको किस तरह से जुदा किया जाए? शुरू शुरू के अंदर हम मौला अली की वफात का दिन मानते थे। आज से लगभग 30 बरस पहले तक, यानी 1950 तक, हमारी जमातें हिंदुस्तान और अफ्रीका के अंदर मौला अली की वफात का दिन मनाया करते थे। और वो वफात का दिन था 21वीं रमजान। 21वीं रमजान यानी 21वीं रात और 20वीं दिन मौला अली की वफात का दिन मनाया करते थे। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने फिर उसको बंद करवा दिया क्योंकि ये चीज हमारी इस्माइली मजहब के तरीके की नहीं। हम किसी भी इमाम की मौत का दिन नहीं मनाते। क्यों नहीं मनाते? इसलिए कि हम बदन को वो दर्जा नहीं देते कि जो नूर को देते हैं,
बदन एक कपड़े की तरह है जो बदलता रहता है, बदन मिटते रहते हैं, बदलते रहते हैं। हमारा ईमान कभी नहीं मरता क्योंकि वो नूर है, इसलिए हम नूर परस्त हैं। ये हमारा बातूनी तरीका है। हमारा ईमान, हमारा पीर कभी नहीं मरता। अली नबी का नूर जब दुनिया न थी, आसमान न था, जमीन न थी, चांद सितारे न थे, सूरज चांद न थे, कोई चीज नहीं थी, हवा पानी न थी, फरिश्ते भी नहीं थे, उस वक्त अली नबी का नूर मौजूद था। वही नूर कि तमाम मखलूकात क्रिएशन पैदा होने से पहले, एंजल्स पैदा होने से भी पहले, जिसको हम आद और उनाद कहते हैं अपने मजहब के गिनानों के अंदर, ये आद और उनाद का वो टाइम कि जब फरिश्ते भी पैदा नहीं होते हैं, उस वक्त अली नबी का जो नूर था वही नूर आज हमारे सामने है। ये आज का जो लफ्ज है कुरान शरीफ के अंदर तो नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह की हदीसों में मुझे मिला, अरबी लफ्ज है आद। आज कहते हैं बहुत ही पुराना। इसी तरह से करण का जो लफ्ज हमारे गिनानों के अंदर पाया जाता है, मैं पहले इस लफ्ज को संस्कृत की डिक्शनरियों में ढूंढता रहता था तो नहीं मिला, मगर रसूलुल्लाह की हदीस में से मिला। करण कहते हैं ए लेंथ ऑफ टाइम, बयान नहीं किया गया अरबिक डिक्शनरी में कि कितना टाइम, लेकिन ए लेंथ ऑफ टाइम हमारे पीरों ने उसको करण को कहा है। हर पीरों के हिसाब से अगर पीरों के गिनान पढ़ो दिनदारों, तो हमें खुशी भी होती है और हैरत भी होती है कि इतना बहुत इल्म हमारे गिनानों के अंदर है। महज एक छोटा सा सैंपल दूं, कलयुग जो आज हम पसार कर रहे हैं 432,000 वर्ष का है, और ये जो 10 युग हैं 4.32,000 यानी 4.32 मिलियन ईयर्स होते हैं, 43,32,000 वर्ष के 10 युग होते हैं। ये 4.32 मिलियन ईयर्स इक्वल टू 90 मिनट्स 4.32 मिलियन ईयर्स इक्वल टू 90 मिनट्स ऑफ 4 कलक। तो 4 कलक कितने बड़े होंगे? इसी तरह से 4 कलक भी इक्वल टू 90 मिनट्स ऑफ 3 करण। तो 3 करण कितने बड़े होंगे? तो फिर एक गिनान में कहते हैं कि या मौला, 8,00,000 करण तेरे तारी बंदगी की थी, प्यारे तू मुख दिखलाया। 8,00,000 करण कितना बार जमाना होगा? तो शाफिर का नूर इतना पुराना है कि जिसकी हम कोई कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते। हमारा शाफिर कभी मरता नहीं, कभी नहीं मरता, इसलिए कि वो हमेशा हाजिर है। हमारा शाफिर नूर ही नूर है। अगर से आप बदन देखते हो, इसलिए देखते हो कि अंदर की आंखें डेवलप नहीं हुई, जैसा कि एक बच्चा पैदा हुआ है, ये बच्चा कंप्लीट इंसान है, खुदा ने उसको सब कुछ दिया है। कान तो है लेकिन सुनते नहीं, अगर सुनते हैं तो दिमाग उसको रिकॉर्ड नहीं करता, और अगर रिकॉर्ड करता भी है तो समझता नहीं, क्योंकि अभी तक ये सारी चीजें प्रिमिटिव स्टेज के ऊपर है। उसकी आंखें हैं, आंखें खोलता है, हंसता है, लेकिन उसकी आंखें ब्लर है, उनके अंदर अभी तक स्टेबिलिटी नहीं आई, विजन सेंटर में नहीं आई। तो हमारे अंदर भी उस बच्चे की तरह सब क्वालिटीज हैं हमारे रूह के अंदर, मगर इस रूह को तो अलग करना चाहिए। हजरत इमाम इधर आते हैं, वो शाह भी है पीर भी है, उसमें दोनों जोनों का नूर है। ये शम्स और कमर दोनों साथ उगेंगे, कुरान पाक में है एक जगह कि आखिरी जमाने के अंदर सूरज और चांद साथ निकलेंगे। सूरज चांद साथ कैसे निकलेंगे? ये साहिर के सूरज चांद की बात अल्लाह नहीं कर रहा, सूरज इमाम है, चांद पीर है, ये साथ निकल रहे हैं, दोनों एक ही जामे के अंदर हैं, एक ही बदन में हैं। इन दोनों की शनाख्त करने के लिए ये आंखें तो अंधी हैं, वो अंदर की आंखों को खोलो, बाहर बंद करके अंदर की आंखों से उसको देखो,
तो आपको वो नूर नजर आएगा। रबीना खुम की इस बात को जब सबके सामने डिक्लेयर कर दिया कि मैं जिसका मौला हूँ ये भी उसका मौला है, तो ये चीज जाहिर थी कि शाह और पीर दोनों मौला है, दोनों की हकीकत बयान की गई। पीर को जुदा नहीं किया गया, ऐसा नहीं कहा कि मेरे बाद ये तुम्हारा मालिक है, मैं जिसका मौला हूँ ये भी उसका मौला है। तो दिनदारो ये वो चीजें हैं रसूल अकरम की हदीस में से, आपके लाइफ में से, और ये चीजें हमको मन समझाने की किताब में मिलती हैं। मन समझाने की किताब में और सत्वैनी के अंदर, सत्वैनी की वेल में तो मुनिवर भाई ने ऐसे बहुत से घिनानों के अंदर दावत अशर का जिक्र भी है, हिजरत का जिक्र भी है, उख़वत का जिक्र भी है, गदीर खुम का जिक्र भी है, अगरचे नाम गदीर किसी जगह आया एक ही जगह। तो रसूल अकरम की तमाम इन हाईलाइट के अंदर जो हमारे मसल की बुनियादी चीजें हैं वो हमें समझनी चाहिए। हमारे दूसरे पीर हसन थे। पीर हसन की जिंदगी का एक सबसे बड़ा कारनामा ये था कि हुजूर ने मुआविया के साथ पीस का एग्रीमेंट कर लिया। देखो दीनदारों, जो नबूवत है या पीर पीरी चौमा है वो माँ की तरह जमाली है, शफकत से भरा हुआ है, माँ तलवार नहीं उठाती, इसीलिए किसी नबी ने तलवार नहीं उठाई। हजरत इमाम हुसैन हमारे इमाम थे, तलवार उठाई और लड़े। हजरत हसन हमारे पीर थे, इन्होंने लड़ाई में सुलह कर ली। सुलह करने से क्या हुआ, 5.5 महीने हजरत हसन ने खिलाफत की अली के बाद, लेकिन मुआविया के साथ सुलह इसलिए कर ली कि मुआविया के हाथों जो खून हो रहे थे मोमिनों के, वो मोमिनों की जान बच जाए, इसलिए हजरत हमारे इमाम हसन ने, मैं इमाम इसलिए कहता हूँ कि हमारे अरबिक पीरियड के अंदर पीर का लफ्ज नहीं आया था, क्योंकि अरबिक में पीर है ही नहीं, और का लफ्ज भी नहीं है, पे नहीं है अरबिक में। तो हम उस जमाने के अंदर जो इमाम की हुज्जत होती थी उसको पीर कहते थे, हुज्जतुल इमाम होते थे या इमाम मुस्तऊदा कहते थे पीर को। तो हजरत इमाम हसन जो थे वो इमाम मुस्तऊदा थे, उन्होंने मोमिनों की जान बचाने के लिए सुलह कर ली और तख्त दे दिया उसको। ये हजरत हसन की जिंदगी की सबसे बड़ी हाईलाइट थी। मौलाना हसन बड़े मालदार थे, बेहिसाब सखावत किया करते थे। एक वाकया हजरत हसन का, मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह ने 1945 की दार ए सलाम की मिशन कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया। वो वाकया मुझे किसी किताब में मिल ना सका, मैंने ढूंढा बहुत, शायद मैं कोई और जगह नहीं पहुंच सका, लेकिन इमाम ने जिक्र किया। इमाम फरमाते हैं हजरत हसन बड़े मालदार थे, बड़े खूबसूरत कपड़े पहनते थे, लेकिन दरवेशी जिंदगी गुजारते थे। दरवेशी जिंदगी का मतलब क्या, हजरत हसन के घर में तो फर्नीचर नहीं था, भले छुपा रेशम का होता था, लेकिन हुजूर मिट्टी में जमीन पे बैठ जाते थे। फिर यहूदी ने मौलाना हसन को कहा कि या सैयदी, यानी है मेरे सरदार, ये इज्जत की बात थी, आप तो दुनिया में जन्नत भोग रहे हैं, यानी इतना माल है और इतना कुछ है, तो आप तो, यानी यहूदियों की नजर में तो माल ही सब कुछ है ना, कि जैसे हिंदुओं की नजर में वो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, हमारी नजर में नहीं, हम तो माल को खूब इस्तेमाल करते हैं और छोटी उम्र से ही माल का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। बच्चे के हाथ में हम 5 सेंट देते हैं, जाओ जाके दुआ कराओ, तो वो छोटा बच्चा 1.5 बरस का कभी माँ बाप भूल जाते हैं तो कहते हैं मुझे पैसे दो, मैं जाके दुआ कराऊ। हमारी जमाती लाइफ की एक बात करता हूँ कि हम छोटी उम्र से खर्च करना सिखाते हैं, इकट्ठे करना नहीं सिखाते। तो यहूदी की नजर में माल बड़ी कीमती चीज थी। कहता या इमाम, आप तो दुनिया में जन्नत में रहते हैं, क्योंकि आप इतने मालदार हैं। हजरत हसन ने फरमाया, ऐ यहूदी, तुझे मालूम नहीं
کہ میں موت کو ہر وقت یاد کرتا ہوں, اس لیے دنیا کا مال میرے دل پہ کوئی اثر نہیں کرتا. امام سلطان محمد شاہ کا یہ واقعہ دیا ہوا مشن کانفرنس میں ہے. مولانا حسن کی یہ سب سے بڑی بات تھی کہ انہوں نے پیس کر کے لاکھوں زندگیاں بچا لی. اس کے بعد میں تیسرے پیر کا ذکر کرتا ہوں, یعنی وہ حقیقت میں چھٹے پیر ہیں, وہ ہیں مولانا باقر. امام زین العابدین کی امامت میں ان کے فرزند محمد باقر پیری جامع میں تھے. پیری جامع میں ہونے کی وجہ سے ان کا نمبر چھٹا نہیں تھا, ان کا نمبر چوتھا پانچواں ہونا چاہیے. چوتھا نمبر تھا ان کا, امام محمد باقر کا. پھر امام زین العابدین پھر محمد باقر پھر ملا ہے. تو امام محمد باقر جو تھے پانچویں پیر تھے. امام زین العابدین کی امامت کے وقت عبد الملک اموی خلیفہ تھا. اس اموی خلیفہ کے زمانے تک مسلمان راج میں کرسچن کرنسی چلتی تھی. اس نے ایک کانفرنس بلائی, امام زین العابدین کو بھی بلوایا, مگر امام نہ گئے اور 17 برس کی عمر کے اپنے فرزند پیر محمد باقر کو ادھر بھیجا. اور حضرت پیر باقر نے یہ کھڑے ہو کے کہا کہ تم آج کتنے دنوں سے حیران ہو رہے ہو, میں تمہیں صلاح دوں. حیران یہ ہوتے تھے کہ بھی ہم دینار یا ریال بنائیں تو اس پہ کس کی چھاپ اور لکھیں کیا, تو کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تھا. بہت دنوں کے بعد, یعنی 5-7 روز تک یہ بحث ہوتی رہی. امام محمد باقر 17 برس کی عمر میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں صلاح دیتا ہوں, ایک سائڈ پہ لکھو لا الہ الا اللہ, دوسری سائڈ پہ لکھو محمد رسول اللہ. ایسی بات تھی کہ سب کھڑے ہو گئے خوشی کے منارے مار کے اور یہ چیز پاس ہو گئی. انہوں نے اپنی اس کرامت کو, میں کرامت کیوں کہتا ہوں, مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا, کوئی فیصلہ کر نہیں سکے تھے, ان کو ایک راہ پہ ڈال دیا. یہ پیر کا کام ہے, یہ نبوت کا کام ہے, اور ان کی زندگی کی یہ سب سے بڑی ہائی لائٹ ہے کہ جو ہسٹری کے اندر آ گئی. امام محمد باقر نے اسلام کی کرنسی چلا کے کرسچن کرنسی کو بند کروایا اور اسلامی دینار چلوایا. اس کے بعد ان کے جو بیٹے تھے پیر امیر احمد, چھٹے پیر تھے اور یہ امام جعفر صادق تھے. امام جعفر صادق کی زندگی بہت بڑی علمی چیزوں سے بھری ہوئی ہے. حال ہی میں امام جعفر صادق کے اوپر کچھ گئے 10 برس میں لگ بھگ 12-13 کتابیں نکل چکی ہیں, انگلش میں بھی ہیں, اردو فارسی میں بھی ہیں. امام جعفر صادق جو ہمارے پیر امیر احمد تھے, انہوں نے سب سے بڑا کام کیا کیا کہ ہر روز صبح اٹھ کے جب مسجد میں جاتے تھے تو مسجد کے باہر آ کے بیٹھ جاتے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو, تو لوگ آ کے پوچھتے تھے. ہر جمعے کو جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد امام سیمینار بلایا کرتے تھے. یہ سیمینار عام پبلک فنکشن بنانا, لیکچر دینا اور پھر لوگوں کو کہنا تمہیں کچھ سوال کرنا ہے, یہ امام جعفر صادق نے شروع کیا. انہوں نے کالج کی بنیاد رکھی. امام جعفر صادق نے اسلامی علم کو بالکل آرگنائز کیا. اس کے پہلے کسی نے بھی اسلامی علم کو, شریعت کو اور طریقت کو آرگنائز نہیں کیا. امام جعفر صادق جب پیری جامع کے اندر تھے, ان کے والد جب زندہ حیات تھے, تو اس قسم کی علمی مناظرے یعنی ڈیبیٹ بھی کیا کرتے تھے. میں آپ کو ہر حقیقت تو بیان نہیں کر سکتا ڈیٹیل کے ساتھ, لیکن ابو سفیان تھوری, جس کو عام طور پہ سفیان تھوری بھی کہتے ہیں, بہت بڑے سنیوں کے اندر مسٹیک ہوئے ہیں. یہ سفیان تھوری حضرت امام جعفر صادق کے زمانے میں تھے. ان دونوں کے اندر بہت سی بحثیں بھی ہوئی ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے,
कि सुफियान थावरी फटे हुए कपड़े जब्बा फटा हुआ मैला भी था फटा हुआ भी था टुकड़े मारे हुए थे और अपने सूफीपन को जाहिर करने के लिए कि हम फकीर और दरवेश हैं इस तरह ये आया। और सुफियान थावरी हमेशा इस बात को ढूंढता रहता था कि किसी तरह ईमान को